हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ कंसेप्ट बाय सुमित शर्मा, क्लास 12 फिजिक्स यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हम फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज इसके अंदर जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट का हम फर्स्ट चैप्टर करते हैं। फर्स्ट चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। देखिएगा, फर्स्ट यूनिट हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था भाई, जो चार्ज है और जो चार्ज रेस्ट के ऊपर होता है, उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेज या जो भी फेनोमेनाज हम रेस्ट चार्ज एट रेस्ट के लिए पढ़ते हैं, सारे किसके अंदर आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, अब हमें पढ़नी करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर क्या आएगा, जो चार्ज है, चार्ज कहाँ पे रहेगा, मोशन के अंदर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले पता होना चाहिए अपने को इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन ए डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो चार्जेज हम फॉलो करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी कनेक्टर के अंदर या एक मेटेलिक वायर के अंदर, ऐसे अपने पास ये पेन, इस पेन के अंदर जैसे कि अपने पास यहाँ से लेके यहाँ तक चार्ज फ्लो करें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट होगा। ठीक है, क्या होगा, करंट। जब चार्जेज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो वहाँ पे करंट बनता है। ठीक है, अब देखो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होती है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, एक ब्रांच, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था, एक ब्रांच थी फिजिक्स की जो क्या करती है, स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट। तो वैसे अपने पास करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या था, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेज इन मोशन। जो चार्जेज मोशन के अंदर हैं उनके बारे में जो स्टडी की जाती है, कौन से ब्रांच के अंदर की जाती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, किसकी ब्रांच है, फिजिक्स की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अपने पास है ट्रांजिस्ट करंट। ट्रांजिस्ट करंट क्या होंगे, वो करंट जो थोड़े से टाइम के लिए फ्लो करें, जैसे लिख रखा है इसके अंदर द फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। थोड़े से टाइम के लिए जो करंट फ्लो करें वो क्या कहलाते हैं, ट्रांजिस्ट करंट कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जो चार्ज फ्लो करेंगे थोड़े से टाइम के लिए वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिएंट करंट। हम इनके एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल लाइटनिंग होती है, बिजलियां चमकती हैं, थोड़े से टाइम के लिए करंट फ्लो होता है, थोड़े से टाइम के लिए। ठीक है, जो अपने को बहुत ज़्यादा डेंजरस फिनोमिना भी मिल जाता है भाई, जैसे अपने पास कहीं पे बिजली गिरती तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है ना, वो सारा किसी ट्रांजिस्टर करंट की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो करंट है, करंट को फॉलो करने के लिए कौन कौन से व्यूज या कौन कौन से पाथ, किन किन चीज़ों का यूज किया जाता है, या इसके कैरियर्स क्या है वो देखते हैं। तो क्या करंट कैरियर्स, करंट कैरियर्स क्या होंगे, जो करंट को लेके जाने में हेल्प करते हैं, जो चार्जेज को लेके जाने में हेल्प कर सकते हैं, चार्ज होंगे या क्या मिलेगा अपने को। ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं ना अपने पास, एक जगह से दूसरे जगह तक अपने पास एक किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से इधर तक लेके जाना, तो कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल बोल सकते हैं लेके जाएँ। ठीक है, तो अब जो करंट कैरियर्स क्या होंगे, देखो जो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर यदि आपसे पूछे, सॉलिड के अंदर जो करंट कैरियर्स क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे अपने को पता है मेटल्स हैं, मेटल्स के अंदर हमने आयरन लिखा और लिखेंगे बहुत सारे मेटल्स हैं भाई, गोल्ड लिखा, AU, AG लिखा, ये सारी की सारी क्या है, मेटल्स। और मेटल्स के अंदर अपने को पता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी कैसे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सॉलिड कंडक्टर्स के अंदर करंट कैरियर्स होंगे, क्या होंगे, करंट कैरियर्स। सॉलिड के अंदर क्या मिलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट देखो लिक्विड के अंदर, लिक्विड में क्या आएगा, लिक्विड के अंदर अपने को पता है जैसे नमक है, साल्ट है, इसको हम डाल देते हैं वाटर के अंदर और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो अपने पास क्या मिलता है, आयंस मिलते हैं। आयंस कैसे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो इन लिक्विड लिक्विड के केस में जो करंट कैरियर्स पूछेगा तो कौन सा आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मिलेंगे, कैसे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। जैसे अपने पास कॉपर सल्फेट है, CuSO4, जब इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इसके अंदर क्या मिलता है, Cu2 पॉजिटिव और SO4 टू नेगेटिव। या फिर NaCl सोडियम क्लोराइड है, जिसको हम कॉमन साल्ट बोलते हैं, इसका ग्रंथ क्या मिलता है, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन गए ना, यही क्या करेंगे, करंट को कैरी करेंगे। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं जो कैरियर हों क्या होंगे, आयंस होंगे। ठीक है, अब जो गैसेज हैं, गैसेज देखें तो ऐसे नॉर्मल देखें तो अपने पास गैसेज कैसे होते हैं, इंसुलेटर होती हैं, कैसी होती हैं, इंसुलेटर। बट कुछ पर्टिकुलर केसेस के लिए इसके अंदर भी क्या मिल जाता है, आयोनाइज्ड गैस हो जाती है, कैसी, आयोनाइज्ड गैस के अंदर देखो तो पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, चार्ज कैरियर या बोल सकते हैं करंट कैरियर होंगे। ठीक है, वैसे तो आपको पता गैस कैसी होती है, इंसुलेटर। बट जब वो गैस आयोनाइज हो जाती है, जैसे हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के अंदर जो कोरोना डिस्चार्ज था, लाइटनिंग ऑफ कंडक्टर के ड्यूरिंग या कोरोना डिस्चार्ज के अंदर हमने देखा था, या एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट के अंदर, किसी एक पॉइंट चार्ज के ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाता है तो उसके अराउंड जो एयर होती है उसको उसको आयनाइज करना स्टार्ट कर देता है, तो वहाँ पर जो चार्ज कैरियर्स होंगे क्या होंगे, पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, या जो करंट कैरियर्स होंगे।
अब देखो अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा या ईएमएफ इसको बोलते हैं, किसको कहते हैं, द एक्सटर्नल फोर्स विच मेक द करंट कैरियर्स टू मूव इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। एक ऐसा फोर्स, देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिखा ना, वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को या चार्ज कैरियर्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे। भाई फोर्स का मतलब क्या आता है, पुश और पुल, भाई यहाँ से हमें इधर लेके जाना है चार्ज को, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन कौन देगा, फोर्स देगा, कौन देगा, फोर्स। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स विच मेक द करंट कैरियर्स टू मूव इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। एक डेफिनेट डायरेक्शन में करंट कैरियर्स को मूव कराने के लिए जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ईएमएफ ऑफ ए सेल, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है या ईएमएफ है ऑफ ए सेल, सेल के बारे में जिक्र करें तो क्या होगा, ईएमएफ ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। भाई दो इलेक्ट्रोड के बीच जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा वे नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। भाई कोई एक सेल है, उस सेल के अराउंड, जैसे अपने पास ये सेल है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसके जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल क्या है, भाई ये तो ज़्यादा होगा या क्या होगा, कम होगा। तो इन दोनों के बीच जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वो क्या होगा, ईएमएफ ऑफ ए सेल। बट कब, जब हम इस सेल से कोई भी करंट ड्रा नहीं कर रहे। भाई मान लेते हैं अपने पास कोई सर्किट है, इस सर्किट के अंदर हमने यहाँ पे की लगा दी, क्या लगा दी, की, और की को हमने ऑन नहीं किया, चाहे कुछ भी अप्लायंसेस जोड़ दें, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो क्या होगा, ईएमएफ रहेगा, क्या होगा, ईएमएफ, ठीक है। तो ईएमएफ ऑफ ए सेल पूछे तो क्या बोलोगे, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, या फिर बोल सकते हो सेल इन द सर्किट, ओपन सर्किट, इन द ओपन सर्किट है इसमें, जब हमने सर्किट को क्लोज नहीं किया है, तब जो सेल है उसके लिए जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम। अब जिक्र करें तो यूनिट, अब ईएमएफ क्या मिल गया, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल, पोटेंशियल यूनिट तो अपने को पता क्या होता है, वोल्टेज होती है, बोल सकते हैं वोल्ट होती है। अब जो वोल्ट, वोल्ट क्या होती है हमें पता है, भाई हमने इलेक्ट्रोस्टेटिक्स के अंदर बी को सिर्फ क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज, तो यहाँ से निकाले वर्क की क्या होती है, जूल, चार्ज क्या होती है, कूलम, जूल पर गुलाम लिख सकते हैं, या फिर हमें पता है ऐसी जो यूनिट होती है क्या होती है, वोल्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का पता चलता रहे।